नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत गुस्ताखी की है तूने हमारी शान में, बहुत वार किए तूने हमारी इज्जत और शराफत पर। अब ये हंटर तेरे जिस्म पर उस वक्त तक लकीरें बनाता रहेगा जब तक तू सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर रहम की भीख नहीं मांगेगा। वाह, हाथ बंधे हैं वरना इस डायलॉग पर ताली जरूर मारता। लगता है आशिकों के इतिहास में आज एक नया अफसाना लिखा जाएगा। अफसाना नहीं, तेरी मौत की भयानक कहानी लिखी जाएगी। फिर तो ये एक बेमिसाल मौत होगी, क्योंकि राजा और मजनू तो जमाने के हाथों मरे थे, मेरी मौत मेरी मोहब्बत के हाथों होगी। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खून तेरी मां का सिंदूर होगा और देखता हूं कौन रोकता है मेरा रास्ता। चल चल बचा। खूबसूरत मोरनी के धोखे में खतरनाक शेरनी को उठा लाया हूं। इसी धूल को तू अपने माथे का सिंदूर बनाएगी, बिखर के रख दूंगा तेरे घमंड और अहंकार को। अब तेरी तकदीर का फैसला सिर्फ मेरे हाथों में है, कि तुझे अपने चरणों की दासी बनाकर रखूं या अपने दिल की मलिका। अंडे देने वाली वो सुनहरी चिड़िया पिंजरे से निकल कैसे गई? मैंने लाखों रुपया खर्च करके उस पिंजरे का एक एक तार छोड़ा था। तुम दोनों ने मेरे लाखों रुपए बर्बाद किए, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे एक मौका दो चमड़ा दादा, मैं वादा करता हूं उस सोने की चिड़िया को आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। लगता है तुम दोनों को जीने का एक मौका और मिल गया है। डैडी, डैडी, मैं प्रदीप से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। मेरा भी यही ख्याल है बेटे, सनम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिस लड़की को उसका आशिक भरी महफिल से भगा कर ले गया हो, जिसे गायब हुए आज पूरे 3 दिन हो गए, आप क्या समझते हैं उस लड़की की इज्जत अब तक सलामत होगी? हरगिज नहीं, सनम साहब ठीक कहते बेटे। डैड, मैं सनम से प्यार करता हूँ, माना कि वो कमीना सनम को भगा के ले गया है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सनम मर जाएगी पर अपने जिस्म पर उस कमीने की छाया भी पड़ने नहीं देगी। जवानी की नदी में बाढ़ आते हुए देर नहीं लगती बेटे, ना जाने अब तक वो उसके साथ कितनी बार मुंह काला कर चुका होगा। ऐसी दागदार लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। मुझे दमन साहब का रिश्ता मंजूर है, मैं पूछता हूँ आखिर क्या कमी है पूजा बेटी में, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है डैड,
और मैं सनम के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी बाप समझता हूँ। डैडी। ठीक है प्रदीप, एक बाप की गुजारिश तुमने ठुकरा दी है, अब एक बिजनेसमैन का फैसला सुन लो। मैंने आपके प्रोजेक्ट में जो 2 करोड़ रुपए लगाए हैं वो मुझे चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं दमन सेठ, हम अपना सारा रुपया प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं और इतनी जल्दी इतनी रकम लंदन से नहीं आ सकती। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा रुपया चाहिए। आपको आपकी रकम मिल जाएगी दमन सेठ, मिल जाएगी रकम आपको। आप? हाँ बेटे, मैंने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं लौटाऊंगा आपके 2 करोड़ रुपए। नाज है बेटा मुझे तुम पर, नाज है। ठीक है, अगर आप इनकी गारंटी लेते हैं तो मुझे आपकी जबान पर भरोसा है। आओ बेटी। अंकल, सनम का कुछ पता चला? पता चल जाएगा बेटे, मैंने जगह जगह इश्तेहार छपवा दिए हैं कि जो भी सनम के बारे में कोई भी खबर देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो डोंट वरी। हाँ, सनम से शादी करेगा। तुम पैसा के लिए झूठा चाट रहे। झूठा? ये लो। ये क्या है? थू, चाटो। आह, ये मोहब्बत का सौदा बड़ा महंगा पड़ा। ना दौलत मिली ना दुल्हन, पेट भी खाली बेड भी खाली। लगता है सुहागरात आज फूलों के साथ मनानी होगी। हिला झाड़ को, गिरा फूल को, गुड नाइट पार्टनर। अरे वाह, काटेगा वार मेरे कासिद, भेज दे मेरे लैला को। जा। वाह मेरे संगल सनम, दुल्हन अपने पति से यही कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सबकी टांग तोड़ रही हो? ये बेचारे तो रजिस्टर्ड भिखारी हैं और तुम
रजिस्टर्ड मेयर की बेटी। छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ खाना, छोड़। अरे अगर हाथ फैलाना ही था ना तो चलकर उस देवी के सामने फैला, जिसकी तू बहू है वो तुझे खाना भी खिलाएगी और आशीर्वाद भी देगी। चल। मैं जहर खा लूंगी मगर तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगी। अरे कैसे नहीं खाएगी, तुझे खाना खाना भी पड़ेगा और पकाना भी पड़ेगा। क्या बाबा, आप जाकर बैठ जाइए। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल की चार दीवारियों के बीच गुजारी है, मुझे सिर्फ मेरी बदनसीबी ने देखा है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। ए, देख, बाबा ने तुझे आशीर्वाद दिया है, कितनी खुश नसीब है तू। अच्छा बाबा, हाँ चल। चुप है, 50 लाख की चोरी के इल्जाम में सजा भुगतने वाला आज भी भिखारी की जिंदगी गुजार रहा है? नामुमकिन। तुम्हें इस हाल में देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि कानून से बहुत बड़ी भूल हुई है। एक बेगुनाह को सजा दी गई और मुजरिम कोई और। ना इंसाफी का यह दाग हमेशा मेरी वर्दी मेरे जमीर पर रहेगा। हाँ। आप अपने आप को क्यों दोषी ठहराते हैं साहब? वो तो कोई था जो अपने कर्मों की स्याही मेरे जिंदगी के पन्नों पर बिखेर गया। सुनो, तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मेरी मदद तो अब सिर्फ वो कर सकता है। तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं कमिश्नर की हैसियत से रायगढ़ ट्रांसफर हो चुका हूं और खुशी की बात यह है कि तुम्हारा दोस्त शंकर दयाल। शंकर दयाल? हाँ, शंकर दयाल, जिसकी लड़की की शादी तुम्हारे बेटे के साथ हुई थी, आज की तारीख में वो इस शहर का मेयर है। मेयर? अच्छा, मैं चलता हूं। हे भगवान, तूने मुझे मेरी मंजिल का रास्ता बता दिया। सुनो गांव वालों, इस लड़की को अगवा किया गया है। जो भी इस लड़की के बारे में जानकारी देगा या पता बताएगा उसको 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। पहला गुमान। अरे जीते रहो बेटी। माँ देख, माँ चांद तेरे चौखट पर लेकर आयो, ये तेरी बहू है। बहू? मेरी बहू? बहू माय फुट। क्या कहा बेटी? अरे माँ, ये अंग्रेजी में कह रही है पायला गुमा जी। अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटी। अरे अब तो जमीन पे आ जा मेरे संगदिल सनम। डैडी वेलकम एंड किल यू। क्या हुआ बेटे? अरे माँ, ये कह रही है कि इनके डैडी बहुत सारा दहेज लेके आने वाले है। नहीं नहीं बेटे, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। रुको, मैं अभी आरती का सामान लेकर आती हूँ। What the bloody hell? Oh, very well, very well. If you make one more noise, I'll put you in the well. अरे नहीं नहीं दुल्हनिये, तनिक शर्माओ तो सही। माँ आ रही है, जाके पैर छू। Never. जीती रहो बेटी। चलो बेटी, ये सुहाग का जोड़ा कीमती तो नहीं, लेकिन इसके हर धागे में मेरे बेटे की खुशियां और एक माँ के अरमान गुंथे हुए हैं। देखा कितने खूबसूरत लग रही हो तुम। इस घूंघट में अब इस घर की लाज है, इस पर कभी आंच नहीं आने देना। हुँ? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको देखती हूँ।
अरे बबुआ, बहू का मुंह दिखाने से पहले ही पर्दा कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। अरे मौसी, हमारे गांव की लड़कियों में क्या कीड़े पड़ गए थे जो शहर से बहू लानी पड़ गई? उसके कंधे पर क्या चार सर लगे हैं? अरे जब तुम देखोगी तो तुम्हारा भी सर चकरा जाएगा। अरे वो बहू के रूप में देवी है मौसी, जरा हम भी दर्शन करें तुम्हारी देवी के। अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, मैंने माँ को दिया वचन पूरा कर दिया है, अब तुम अपने पिताजी के घर जा सकती हो। अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, अपना ख्याल रखना। नहीं किशन, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं जाना नहीं चाहती। नहीं सनम, तुम मेरी मुन्नी नहीं बन सकती, तुम तो एक संगदिल सनम हो जिसके सीने में तेली नहीं। मैं इतना जानता हूं मेरा रिश्ता तो एक गरीब मुन्नी के साथ था जो टूट गया, खो गया। तुम मेरी मुन्नी नहीं बन सकती, तुम तो एक संगदिल सनम हो, संगदिल सनम हो। अब बताओ मेरी बेटी कहाँ है? गंगापुर में है सरकार, सावित्री और किशन के घर में। अरे माँ बेटे ने तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। फूलों में पलने वाली शहजादी बेचारी कांटों के ढेर में पड़ी है। मैं अब उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चिथड़े उड़ा दूंगा उस हरामजादे के। मेरी बंदूक कहाँ है? कहाँ मेरी बंदूक? तेरी बंदूक के निशाने पर आज तकदीर ने तुझे मेरा निशाना बना दिया कभी ने। परसों पहले मेरी बदनसीबी का लेख तूने लिखा था, लेकिन आज गोलियों की बौछार से तेरा अंत मैं करूंगा। ये क्या करा मेरे दोस्त? फूंकता मैं तेरी दोस्ती पर कमीने, बैंक डकैती तूने की और उसकी सजा मैं भुगतूंगा। तू मुझे मेरी गलत समझता क्या? मेरी बीवी और बच्चा दर दर की ठोकरे खाते रहे, तेरी बीवी को विधवा और मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया तूने। तेरे कर्मों की सजा मौत के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। देख 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 कैलाश, तुझे नहीं मालूम कि तू किसके छत के नीचे खड़ा है? मैं इसी छत के नीचे तेरी समाधि बनाऊंगा और तेरे गंदे खून से तेरे काले कारनामे लिखूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे आज इनकी असलियत का पता चला, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि आप जिंदा हैं। मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं भाई साहब, ये आपके गुनहगार सही, मगर मेरे माथे का सिंदूर है, मैं आपसे अपनी सुहाग की भीख मांगती हूँ। इन्हें माफ कर दीजिए भाई साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। हट जा, हट जा। मैं अनाथ नहीं होने दूंगी। हाँ मेहर साहब, आपको इसके खून से हाथ रंगने की क्या जरूरत है? इस सांप को मैं संभालता हूँ, आप उस सपोले से निपटिए जो मेरी सनम पर अपने दांत गड़ाए बैठा है। ठीक है, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं सारे गांव को जला के राख कर दूंगा। बता मेरी बेटी कहाँ है, वरना तेरी चीख तेरी जिंदगी की आखिरी चीख होगी। आप कुछ भी कर लो भाई साहब, अब मौत ही उन दोनों को जुदा कर सकती है। मैं इस गांव में लाशों के ढेर लगा दूंगा, चलता हुआ शमशान बना दूंगा इस गांव को। अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इंस्पेक्टर। यस सर। ये माँ सनम। डैडी आप यहाँ? अरे ये क्या हाल बना लिया है तुमने? सोने चांदी के महलों में रहने वाली राजकुमारी इस गरीबी के दलदल में। डैडी, जो सुख मुझे सोने की दीवारों में नहीं मिला, वो सुख मुझे मिट्टी की इन चार दीवारी में मिल गया है। ये मिट्टी के घर नहीं है बेटी, जहरीले सांपों के बिल है ये, दस लेंगे तेरी जिंदगी और मेरी इज्जत को। यही वो हरामजादा हाँ। जिसने मेरी बेटी को अगवा किया। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। डैडी गेट अप, रोक लीजिए। डैडी यू आर अंडर अरेस्ट। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपनी खुशी और मर्जी के साथ यहाँ आई हूँ। अंडर सेक्शन 366 आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, लड़की बालिग हो या नाबालिग, तुम इसे गिरफ्तार करो। यस सर। इंस्पेक्टर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 41 के तहत आप बगैर अरेस्ट वारंट के इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। शी इज राइट सर। तुम इसे गिरफ्तार करो, जो होगा मैं देख लूंगा। इंस्पेक्टर, कानूनी वर्दी पहनकर खुद कानून को तोड़ना अंडर सेक्शन 166 के तहत एक ऐसा जुर्म है जिससे आपकी वर्दी भी उतर सकती है। सर, शी इज राइट। ये
क्या बकवास लगा रखी तुमने? अगर मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इसी इंस्पेक्टर के हाथों आपको गिरफ्तार करा सकती हूँ डैडी। गिरफ्तार मुझे? जी हाँ, इससे पहले कि मेरे घर में बगैर इजाजत के दाखिल होने के जुर्म में आपको गिरफ्तार कराऊं, निकल जाइए यहाँ से। गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। कम ऑन इंस्पेक्टर, याद रखना, बहुत अपमान किया है तुमने मेरा। मेरे खून का हर कतरा मेरी रगों में तेजाब बन के चल रहा है। ऐसी आग भड़केगी कि इस घर में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। मां, लगता है सालों बाद मुझे मेरी मुन्नी वापस मिल गई है। मुन्नी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन ये सीता इस घर के आंगन से कदम बाहर रखेगी, ये रावण उसका हरण कर लेगा। बाबूजी, आप याद है आपने मुझे बेटी कह के सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया था? हाँ बेटी, मगर आज तकदीर ने मेरे हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद तक नहीं दे सकता। वजह? वजह मैं बताता हूँ। तुम यहाँ? हाँ, इस बुड्ढे को तुमसे मिलाने लाया हूँ, क्योंकि ये किशन का बाप है। आप किशन के पिताजी हैं? हाँ बेटी। तो फिर माँ जी, वो विधवा का लिवास? वो बुढ़िया यही समझती रही कि उसका सुहाग मर चुका है, जबकि 12 साल पहले बैंक डकैती तुम्हारे बाप ने की थी और उम्र भर जेल की चक्की ये पीसता रहा। क्या ये सच है? बताइए बाबूजी। हाँ बेटी, यही हकीकत है। और अब इसकी सांसों पे हमारा पहरा है। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। पैर नहीं जाने मन, हाथ थामना होगा हाथ, वरना। नहीं बेटी नहीं, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तू इस बेटे की बात बाबूजी, बाबूजी, छोड़ दे।